ये क्या हो गया? अरे 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 मैं पकड़ इसको। अरे इतनी दूर नहीं भगा सकते आप यार, बहुत इतनी दूर अगर बाइक से भगाएंगे गाय थक जाएंगे यार। दोस्तों अचानक से भयानक वाला जो है कि बारिश स्टार्ट हो गया दोस्तों। हेलो आगे आ जाओ, चलो हेलो चलो हेलो हेलो हेलो। कितना दूर लेके जाना है सुरेश भाई आज? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ओके, 5 किलोमीटर लेके जाने वाले हो आज। तो दोस्तों एक जो है कि भाई खेत है तो गाय जो है कि कंप्लीट 5 किलोमीटर जाने वाली है और लगभग आज उस खेत के अंदर जो है कि पोपट मामा की भैंस भरत भाई की गाय भी आने वाली है शायद मेरे ख्याल से। तो आज सब 5 किलोमीटर जा रहे हैं, इसको संभाल के लेके जाना भाई, रास्ते पे लेके जाना है। वैसे तो जो है कि हमारी गाय जो है उसको आदत हो गई है और भाई बहुत बढ़िया गाय है दोस्तों। जैसा पहले दिन लाए थे और उस दिन जो हमने सोचा था कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, वैसे है नहीं भाई, एक नंबर है भाई गाय, बहुत बढ़िया। चलो जाने दो, ए चल चल। जाने दो अब, ये देखो ये। अरे 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 लड़ाई नहीं, चलो मैं इस भाई आराम से जाने दो। हाँ बहुत दूर लेके जाना है दोस्तों, 4-5 किलोमीटर जाना है। थोड़ी देर से मैं भी जाऊंगा, उनको पीछे थोड़ा पानी पानी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि गाय यहाँ से बहुत दूर जाने वाली है। वहाँ पे अभी पानी का बंदोबस्त है या नहीं, सुरेश भाई बोले कि वहाँ जाके मैं कॉल करूँगा। मैंने बोला ठीक है। और इसको भी जो है कि गाय में भागना है। अच्छा कैसे एक दोस्तों जो है कि इसके अंदर जो है कि अभी अपनी बकरियां भेड़ सब खुले रहते हैं तो ये बढ़िया हो गया। बाहर होते हैं ना तो भेड़ क्या करती है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके उंगलियां पे आई काट लेती है, तो ये बढ़िया हो गया। इसके अंदर बंद करके चारा कर देते हैं तो खुली रहती हो। हमारी ब्यूटी कब की शोर कर रही, ब्यूटी क्यों शोर कर रही थी तू, आवाज क्यों कर रही थी, हाँ क्यों शोर कर रही थी बता, शोर भी नहीं करने का। ओके गाय पीछे रह गए महेश भाई, ओ हाँ देखो दोस्तों बहुत भागती है भाई, इतने गाय भागती है भाई क्या बताएं। अरे अरे गाय गाय बहुत भाग रही है। अरे उतनी दूर सूरत सूरत में इतनी दूर नहीं भगा सकते आप यार, बहुत इतनी दूर अगर बाइक से भगाएंगे गाय थक जाएंगे यार। क्योंकि दोस्तों 5 किलोमीटर आना है अभी जो है कि 3 किलोमीटर ये आ गए हैं और अभी 2 किलोमीटर जाना है। आगे से गाड़ियाँ आ रही है और गाय बहुत ये देखो कहाँ नई गाली गाय कहाँ गई, ये जो नए का यही प्रॉब्लम होता है, नीचे नीचे भाग रही हो। दोस्तों इतना भाग रहे हैं वो भाई जो है कि बुलेट लेके भाग गया और ये सब मेरे पर छोड़ के चला गया। अभी इतना भाग रहे हैं मैं हाल जाऊ दौड़े में। पसीना पसीना कर दिया। पुछ, पुछ, पुछ। अरे डरता है तू, तू छू छू लालो अटैक अटैक, अरे अटैक कर क्या यार, तू तो फटू निकला यार, भागता है तू तो यार उससे। तो ये है मक्का का खेत, ऑलरेडी रोटर कर दिया है लेकिन इसमें जो है कि भूटे बहुत पड़े हैं आप देख सकते हो। ये देखिए ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो उधर देखो भूटे देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हो भूटे। तो खेत के अंदर दूसरा तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको भुट्टा ही मिलेगा। किशन भाई ने बोला है कि अगर ज्यादा खा लिया और भुट्टा से अगर आपकी गाय को कुछ दिक्कत हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं आप ही होगे, आपकी जिम्मेदारी पर जो है गाय को भुट्टे खिला सकते हो, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो फिर अभी तो हमारे रिक्स पे हम खिला रहे हैं, ज्यादा नहीं खिलाएंगे। भरत भाई क्या बोल रहे हैं, ब्लैक बछड़ी मेरे में आ गई तो बछड़ी मेरी, भरत भाई ऐसा बोल रहे हैं। बोला ठीक है चल भाई क्या करते, ठीक है दोस्तों वो गाय गई, वो गाय गई, देख देख ठीक है दोस्तों। अगर वो बछड़ी भरत भाई के झुंड में अगर चली जाती है तो 7,000 भी नहीं लेंगे, एकदम फ्री में छोड़ देंगे। देख गई तो छोड़ देना, ओके भरत भाई भी सुन रहा है, ओके भरत भाई तेरे झुंड में आ गए तो लेके जा, फ्री में 7,000 भी नहीं चाहिए, जा पक्का। बहुत गर्मी हो रही है तो लगभग शाम तक जो है कि बारिश
आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी जो है इसमें बहुत सारे भुट्टे पड़े हैं दोस्तों, हद से ज़्यादा। बाकी आपको खेत में कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत भुट्टे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और गाय के फेवरेट होते हैं भुट्टे, और बहुत सारे खेत के अंदर भुट्टे पड़े हैं। चलो तो अभी जो है कि भाई अपन धीमे धीमे निकलते हैं। चल जो है कि दोस्तों गाय लेके फिर से आ गए हैं घर पे। और आज जो है कि अभी नेट भी ठीक करना पड़ेगा, ये भी फाड़ दिया है, वो साइड को भी थोड़ा फाड़ दिया है, तो भी ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा जो है कि खत्म कर देंगे। तो वो जो है कि फटाफट से ठीक कर डालते हैं। चलो दोस्तों तो अभी जो है कि एक मक्का का जो खेत है वो देखने के लिए जाना है। फिलहाल जो है कि बारिश का मौसम तो हो रखा है, इतना नहीं हो रखा है, आएगा नहीं। बाकी मौसम पे बारिश के मौसम में जो मौसम होता है एकदम जबरदस्त, आप देख सकते हो। बोल रहा गेट खोल दू? ओके नो प्रॉब्लम। उसकी जात का ढोलू जाने दे, जाने दे। हाँ अरे तू कुछ नहीं होगा उससे, उतने में नहीं होगा, जाने दे, जाने दे, फटने दे। मैं आपा को बोल दूंगा कि मेरी वजह से फट गया वो, जाने दे। रुक जा रुक जा रुक जा, गाय तोड़ेंगे, रुक जा, जाने दे, जाने दे। आज जो है कि पत्ती और घास दोनों भर के लेके आया था, घास थोड़ा था, पत्ती ज्यादा थी। बस रुक जा, खाली कर दे अब। अबे रुक जा यार, धीमे धीमे चलने तूने। यार ओ घास डालो उसको, थोड़ा अलग से डालो उसको, सब गाय मारती है दोस्तों, डरती बहुत है वो। वेगेड है और देख बाटी मारते है दोस्तों सब गाय उसको। इसको घास डाल तो हरी पे थोड़ा। ये क्या हो गया? अरे 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 मैं इसमें पकड़ इसको, अरे वो निकल गया पीछे, इसमें अटक गया अड़ा, अरे निकालो उसको, अरे पकड़ पकड़ इसको, निकल निकल निकल। कैसे कैसे लोग रहते हैं। चलो दोस्तों तो अभी जो है कि अपन चलते हैं, एक मक्का किसान भाई की है, तो मक्का जो है कि उतने देख के आते हैं। चलो अभी पहले जो है कि खेत देख के आते हैं कितना है कितना नहीं। तो ये वाली जो है कि मक्का है, आप देख सकते हो है मक्का तो इतनी ज्यादा है नहीं। तो देखिए ऐसा जो है कि हमारा सिस्टम होता है, क्या होता है कि हम ऐसा किसान भाई जब बोलते हैं तो जो भी गन्ना हो या मक्का हो हम सीधा देखने के लिए आ जाते हैं। अभी ये पूरा देखेंगे, फिर जो है कि उनको हम बोलेंगे। सो ये डोडा हां तब तोले आना था, डोडा कहीं ना था, डोडा ने तो बहुत ना। तो फिर अभी उनको बोलेंगे हम कि भाई इसका कितना पैसा देना है, वो बोलेंगे पहले कि भाई कितना पैसा लेना है। हम पूछेंगे कितना पैसा लेना है, वो बोलेंगे इतना, फिर हम बोलेंगे इतना, फिर व्यवहार हो जाएगा। ये देखो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन ये बड़ा है इतना। फिलहाल जो है कि दोस्तों मक्का जो है वो देख के आ गए हैं, बहुत ज्यादा पैसा बोल रहे हैं, उतनी मक्का का पांच हजार पांच हजार की मक्का एक दिन में खा जाएंगे वो, तो उतना तो नहीं करते हो। दोनों एक साथ खटिया पे उतर, नीचे रोलू उतार, तू ऐसा नहीं सुनेगा, रुक जा, तेरी पिटाई करनी पड़ेगी मेरे को। अरे धक्का कचुम्बर मारू, कहाँ जा रहा तू? चलो तो दोस्तों अभी जो है कि हम जा रहे हैं मक्का काटने के लिए। चलो अभी जो है कि देख के आए, वो मक्का नहीं है, अभी दूसरी मक्का काटने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि भाई दोस्तों की कमी ही नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों ये मक्का है, आप मक्का के अंदर जो है कि भाई घास देख सकते हो, वेल वगैरह हो गए, तो काटने के लिए भाई इसमें जो है जगह ही नहीं है, क्योंकि पूरे मक्का ऐसी हो गई है। तो दोस्त का मुझे दो तीन दिन पहले ही कॉल आया था, बोले भाई मक्का जो है वो काट के लेके जाओ। आज मुझे याद आया, सुरेश भाई बोले गाय के लिए कुछ है नहीं, मैंने बोला ये सामने मक्का है काट के ले क्या, तो अभी सुरेश भाई बोले ठीक है, तो फिर आ गए हम यहाँ पे, वहाँ पे जाओ वो अच्छा है। अरे ओला पर दोनों मुझे वो देखो सामने, बस तेरा काम ही ऐसा है यार, तू काय को तोड़ता है वो वेला अंदर जो है कि दोस्तों ये वाला जो घास है ना इसमें, ये देखो ये वाला घास, ये बहुत भयंकर है दोस्तों, इसमें जो है कि मक्का काटे नहीं जाएंगे दोस्तों, इतना घास हो गया है।
काट फटाफट से यार। दोस्तों हमें जो है कि यहाँ पे रहने की दिक्कत है, बाकी चारों के लिए जो है कि भाई यहाँ पे जो है कि हमारी खुद की ज़मीन होती फिर भी इतना चारा हमें नहीं मिलता, उतना यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे इतना चारा है और बहुत सारी जगह पर चारा मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रहने की दिक्कत है हमें। बस चारा की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमतरता नहीं है। आप देख सकते हो एकदम फ्री है भाई, काट के लेके जाओ पूरा मक्का, क्योंकि ये हमने काट के लेके गए तो उनको मजदूर लगा कि ये पूरा काट के बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रोटावेटर चलने वाला है नहीं। आप देख लो इसमें कहाँ से चलेगा, घास ही उसमें इतना है, तो फिर इनको मजदूर लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। पैसा है डाल, दोनों को डाल, इसमें से थोड़ा अपनी वैगड़ के लिए भी रहने दे, वैगड़ के लिए न्यू गाय को डालेंगे। अभी जो है कि भाई डरती हो तो खाती नहीं है इतना, तो उसको थोड़ा सा इसमें अलग से डालेंगे उसको। वो मारता है अभी देखना, वो देखो वो देखो। वो उसे मारता है वो। तेरे से नहीं उठे जाएंगे वो। पकड़ के लाए ना, चले लाए चल लाए लाए लाए। काट मत उसको, इधर जो है कि आपा ये सब ठीक कर रहे हैं। आपा को तो मैंने मना किया, लेकिन आपा को मैंने मना किया दोस्तों कि ये मत करो, लेकिन आपा जो है कि फिर भी कर रहे हैं। ये राइट बोले क्यों डर रहे, तू पकड़ तो मारेंगे, नहीं मारेंगे पकड़। अबे यार नहीं मारती यार, तुम डरते हो उससे, पकड़ ले यार सीधी सीधी पकड़। आज जो है कि अभी ओ अभी तक जो है कि भरपेट चारा नहीं खा रही है, खा रही है, लेकिन देख फूल नहीं है वो। अब रो, अभी तक रो रहा था, कैमरा चालू हो गया तो बन हो जाए रो ना। ये साइड जो है कि दोस्तों बारिश का मौसम हो रखा है, देखिए मौसम कैसे हो रखा है, एकदम जबरदस्त दोस्तों। अचानक से भयानक वाला जो है कि बारिश स्टार्ट हो गया दोस्तों, और ये बारिश में जो है कि हरी भाई मिल्किंग कर रहा है। अरे हरी भाई मिल्किंग रोक दे, और ये चेक करो दोस्तों जबरदस्त वाला बारिश। दोस्तों इतना जबरदस्त वाला बारिश हो गया था, बारिश स्टार्ट था और मैं सो गया। व्लॉग का टाइमिंग था 7:30 का और 8 बज गए, अभी व्लॉग को अपलोड किया है। फिलहाल जो है कि दोस्तों बारिश जबरदस्त हुआ था और बारिश हो के अभी रुक गया है, अभी जो है कि दोस्तों सो जाते हैं। ओके आपको मिलते हैं सुबह। फिलहाल जो है कि दोस्तों बारिश रात को गिरा था, लेकिन अभी जो है कि पूरा सूख गया है, तो सुरेश भाई जो है कि गाय को छोड़ रहा है, और ये देखो छोड़ते ही सीधा इधर आ गया, आ गया इधर। एक दो कमेंट ये आए थे जगदीश भाई, अभी जो है कि स्वयं को उठा के पटका है, तो जो है कि भाई अभी वो गाय में नहीं आएगा। बिल्कुल गलत बात, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो गाय में घुस जाता है, बार बार भागता है। अभी गाय प्रति, पशु प्रति, भेड़ हो या फिर बकरी हो, उसके प्रति मुझे प्रेम दिखता है। हमारा जो ढोलू पकड़ता है तो उसको भी एकदम कस के पकड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को भी कस के पकड़ता है, उनके पीछे भागता है, तो मुझे दिखता है कहीं ना कहीं कि नहीं भाई इसको जो है कि पशु प्रति अभी से ही लगाव है भाई, तो मुझे तो देख के भाई ये बहुत अच्छा लगता है। लड़ाई करना है तुम्हें, लड़ाई करना है, लड़ाई करने के लिए यहाँ आए हो।